बीते 21 मार्च को आरबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। इस तरह इसे मिलाकर इस साल देश का ये चौथा बैंक है जो आरबीआई के निर्देश पर बंद किया जा चुका है। इसके पहले सर जेरो दादा नायक शिराला सहकारी बैंक, इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक और मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को बंद किया जा चुका है। गौरतलब है कि बंद होने वाले ये सारे बैंक कोऑपरेटिव बैंक हैं। क्या है ये पूरा मामला? सहकारी बैंक क्या होता है? मौजूदा वक्त में सहकारी बैंकों के सामने क्या क्या दिक्कतें हैं? अगर कोई बैंक बंद हो जाता है तो जमाकर्ताओं को उनका पैसा कैसे वापस मिलेगा, और अगर पैसा वापस मिलेगा तो कितना मिलेगा? जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिशाओं में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धे टीवी। सहकारी बैंकों का गठन और परिचालन सहकारिता के आधार पर किया जाता है। सहकारी यानी साथ मिलकर काम करना। ऐसे बैंकों का मकसद शहरी और गैर शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को कर्ज सुविधा प्रदान करना है। सहकारी बैंक कुछ मामलों में वाणिज्यिक बैंकों से अलग होते हैं। मसलन, सहकारी बैंक का प्राथमिक लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएं और उत्पाद प्रदान करना होता है। कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के मुताबिक की जाती है। इनका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है। इनका प्रशासन राज्य सरकार देखती है, जबकि इनको रेगुलेट करने यानी विनियमित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है। बात अगर सहकारी बैंकों के सामने मौजूद चुनौतियों की करें तो सहकारी बैंकों का गठन ही सहकारिता के आधार पर किया जाता है, लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के करीब 55% लोग अभी तक इस सहकारिता व्यवस्था से नहीं जुड़ पाए हैं। इसके अलावा ये बैंक सभी स्तरों पर ओवरड्यूज यानी अपनी क्षमता से ज़्यादा देनदारी हो जाने की दिक्कत से जूझ रहे हैं। बीच बीच में सहकारी बैंकों से जुड़े तमाम भ्रष्टाचार के मामलों के उजागर होने के बाद इन बैंकों की विश्वसनीयता दिन ब दिन घटती जा रही है। उदाहरण के तौर पर साल 2019 का पीएमसी घोटाला देख सकते हैं। साथ ही ज़्यादातर सहकारी बैंक पेशेवर प्रबंधन यानी प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कमी का भी सामना कर रहे हैं, अर्थात इन बैंकों का प्रबंधन कार्य ऐसे ही कैजुअल वे में चल रहा है। सहकारी बैंकों की संरचना इस तरह की है कि इन पर द्वैध नियंत्रण का आभास होता है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि इनका रेगुलेशन और नियंत्रण तो आरबीआई द्वारा किया जाता है, लेकिन इनका प्रशासन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इससे तमाम तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं। मौजूदा मामले में उत्तर प्रदेश पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को बंद करने के बारे में आरबीआई ने कहा कि इस बैंक की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में सक्षम नहीं रह गया है। ऐसे में अगर इसे जारी रखने की अनुमति दी गई तो लोगों का हित प्रभावित हो सकता है। इस वजह से रिजर्व बैंक ने इस बैंक पर रोक लगा दी और इसे बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया। साथ ही आरबीआई ने उत्तर प्रदेश सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। अब सवाल उठता है कि अगर बैंक बंद हो गया तो जमाकर्ताओं के पैसे का क्या होगा? तो इस समस्या से निपटने के लिए संसद ने एक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC एक्ट 1961 नामक कानून बनाया है। इस कानून के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व वाली एक सब्सिडियरी संगठन यानी सहायक संगठन बनाया गया, जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये संगठन बैंक जमा पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है। इसके नियम के मुताबिक बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने पर 5 लाख रुपए तक की धनराशि का भुगतान जमाकर्ताओं को किया जाता है। अगर आपने उसमें 5 लाख से अधिक पैसा जमा किया होता है तो वह पैसा बैंक वापस नहीं करता है, मतलब 5 लाख रुपए के ऊपर के धन डूब जाते हैं। तो ये थी बात सहकारी बैंक और इससे जुड़े मुद्दों की, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि सहकारी बैंक कितने प्रकार के होते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।